नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। मैं यूथरीच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास के पोएट्री सेशन के बारे में आपको बताएंगे कि एग्जाम बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आती है। तो ये जो पोएम है, कोई भी पोएम है, वो आपके ऑप्शनल में जैसे कोड वाइज ए बी सी डी किसी में विकल्प वाइज आ सकती है, किसी में जो है किसी क्वेश्चन किसी एग्जाम पेपर में कविता का पोएम का सीधा कंप्रिहेंशन पूछ लेते हैं, किसी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो किसी में लॉन्ग आंसर पूछ लेते हैं। तो ये तीन या चार तरह से, चार टाइप से आता है। तो दो तरीके से हम आपको बता चुके हैं, जिसमें उसका हिंदी बताया और दूसरा तरीका हमने कंप्रिहेंशन बताया। जो तीसरा इसका जो टाइप है उसका है समराइज करना, कि आप जो फोक कविता के बारे में विस्तार से बताइए, डिस्क्राइब द फोक। तो उसमें हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अगर छोटे क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आप उसमें कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग आते हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं, अगर आप इसको एक बार लर्न कर लेंगे तो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें बहुत पढ़ने से आपको आसानी होगी। तो हम आपको लर्न करने का या भली भांति प्रयास करेंगे। तो ये फोक कविता है जिसके राइटर हैं काम सैन वर्क है। द पोएट प्रेजेंट द पोएम लाइक कवि प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट प्रस्तुत करना फोग कि जो कोहरे को एक ह्यूमन बीइंग के बारे में, एक ह्यूमन बीइंग की तरह से, मानव प्राणी की तरह जो है रूपांतरित करता है, क्योंकि ये एक मेटाफर पोयम है और इसमें उसको अलंकृत किया गया है एक बिंदी की तरह। कवि कहता है कि जो फोग है वो हमें जब विंटर समय में का जहाँ जहाँ छा जाती है तो ऐसा लगता है कि वो एक बिल्ली की तरह आई है। ही डज सो थ्रू ए मेटाफर ही, और वो इसको किसके द्वारा वर्णित करते हैं, मेटाफर एक अलंकार के द्वारा जो है वर्णित कर रहे हैं। ही सेज दैट, ही सेज दैट द पोएम इज लाइक अ कैट। तो ये कहते हैं कि जो फोग है वो भी बिल्ली की तरह है। इट कम्स स्लोली एंड साइलेंटली लाइक ए कैट, कि इट कम्स आती है स्लोली धीरे से, साइलेंटली चुपचाप, धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी आहट के बिल्ली की तरह आती है, वो चारों तरफ छा जाती है। इस तरह से बिल्ली भी अपना टारगेट को प्राप्त करने के लिए आती है, इसी तरह से ये भी जो है साइलेंटली एंड स्लोली आती है लाइक अ कैट। इट सेज लाइक ए कैट सिटिंग ऑन इट्स हंजीज, कभी कहना चाहता है यहाँ पे, कभी कहता है कि जैसे बिल्ली अपने गुर्दों के बल बैठ जाती है और अपना शिकार करने के लिए जब आती है तो गुर्दों के बल बैठ जाती है, चुपचाप किसी को दिखाई नहीं देती है, अपनी तरफ से वो दूसरों की निगाह में इनविजिबल हो जाती है। उसी तरह से फोग भी हमें दिखाई तो देता है लेकिन आता हुआ दिखाई नहीं देता, और जब ये जाता है तभी दिखाई देता और ये आता है तभी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हमें जगह जगह बंदरगाहों पर, बागानों पर, सिटी में, हार्बर में छाया हुआ दिखाई देता है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बस ये भी ऐसे साइलेंट होकर बैठा हो। उसके बाद मूज हो जाता है। अब मूज कैसे होता है, बिल्ली की तरह मूज होता है, जैसे बिल्ली किसी की आहट, किसी की आवाज सुनते ही उस स्थान को उसे छोड़ देती है, उस स्थान से भाग जाती है, वैसे ही ये भी उस स्थान से हमें ऐसा लगता है कि वो भी चला गया हो। इन दिस वे द पोएट प्रेजेंट द फोक लाइक ए लिविंग क्रिएचर, इस प्रकार जो कवि ने जो फोक है, कोहरा जिसको हम भूंगी कहते हैं, उसको एक लिविंग क्रिएचर के रूप में, एक सजीव प्राणी के रूप में वर्णित किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव वे में उन्होंने बताया है, बहुत ही अपनी जो थिंकिंग है, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग है उन्होंने इस कविता के द्वारा वर्णित की है। उन्होंने बताया है कि द पोएट इज हैज अ वेरी ब्यूटीफुल यूज द मेटाफर ऑफ ए पोएट कैट, तो कवि ने यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से मेटाफर जो अलंकार है उसका प्रयोग करके बिल्ली को फोक के साथ वर्णित किया है, और प्रकृति को भौतिक संसार से जोड़ने का प्रयास किया है, कि यदि हम प्रकृति से
भी प्रकृति को हम भौतिक से जोड़कर देखेंगे तो हमें देखने में और पॉजिटिव सोचने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह से हमें उसे, क्योंकि फोक जो है जब कहीं छाती है तो हमें एडजस्ट हो जाता है, कई बार उसके पास हमें किसी को देखने में मुश्किल होती है और काफ़ी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इस तरह से वो नेगेटिव होता है। लेकिन कभी ने यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में विधि से उसकी तुलना करके प्राकृतिक को साथ जोड़कर एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है और बहुत ही सुंदर तरीके से अंकित किया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जब भी आप अगर एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसकी सहायता से छोटे आंसर या बड़े क्वेश्चन जो है इसमें से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इलर्निंग प्रोग्राम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझने में आसानी हुई होगी और जो भी आपके सवाल हैं वो प्लीज़ इसमें ज़रूर बताएं ताकि हम और सुधार करके आपको बता सकें। थैंक यू सो मच।